खुश नहीं आया? खुश नहीं आया, ठीक है यार, स्वस्थ हो गया हूँ। Okay, first one. A compound X with dilute KOH on heating gives the compound given. So X should be dilute KOH. मतलब elimination हुआ होगा. Hmm. This is a characteristic compound. Aldol, हाँ हाँ हाँ. 500 by. अपना aldol है ये. Yes. See, the first thing you should have observed over here is alpha beta unsaturated carbonyl compound. And alpha beta unsaturated carbonyl compound is obtained through the base catalyzed aldol condensation. So, ये definitely aldol condensation का product है. अब अगर आपको product दिया है तो aldol में how do we find the reactant? O की जगह पे O के साइड पे H डालो, और जहाँ पे O नहीं है वहाँ पे OH डालो। मतलब डबल बॉन्ड तोड़ के आपको वाटर ऐड करना है, और वाटर ऐड करने का ट्रिक क्या बताया था, जहाँ पे O है वहाँ पे H2 डालो, और जहाँ पे O नहीं है वहाँ पे O डालो। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट एसीटोन, एंड ऑन द राइट साइड ऑल्सो यू गेट एसीटोन। मतलब इट वुड बी अ सेल्फ aldol condensation, right? And the compound would be acetone, option B. Here important kya hai, kuch characteristic products hai reactions ke that needs to be always remembered. Alpha beta unsaturated carbonyl compound is the product of aldol condensation. Okay, next सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है। हाँ, CH3COCl पहले, फिर असाइल, अरे हाँ असाइलेशन, फिर क्या है, हाँ फिर CN आ जाएगा, फिर CO आ जाएगा। तो साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन है, समझ में आया होगा। तो सो फर्स्ट रिएक्शन इज एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड व्हिच गिव्स यू एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड और बेंजीन का फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन होता है, ईएसआर मैकेनिज्म, एंड इट विल गिव एसिटोफिनोन। फिनोन। अब कीटोन्स जो है वो HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। हां, सी पे OH और CN आ जाएगा। इट विल बी सी OH CN एंड सी CH3, सॉरी बी CN पे COH। ठीक है, आप साइनोहाइड्रिन के थ्रू मैंने आपको दो रिएक्शंस बताए थे, बी ऑलवेज रिमेंबर्ड एज HR रिएक्शंस। क्या था HR? हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन। हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन साइनाइड के दो ही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनो गिव्स यू एसिड कार्बोक्सी एसिड को भी क्या बोलने का, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। साइनोहाइड्रिन में हाइड्रोलिसिस होता है तो हमेशा अल्फा हाइड्रोक्सी। सो अगेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट, तो इसको भी आप याद रखो, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड दिखे मतलब देयर इज अ रिलेशन विद द साइनोहाइड्रिन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। डिस्टरबेंस है किसी के माइक से, प्लीज म्यूट करके रखो प्लीज। और रिडक्शन ऑफ साइनो गिव्स यू प्राइमरी अमाइन। और इस केस में जो प्राइमरी अमाइन है उसको क्या नाम दिया था? Where is the OH with respect to amino? Beta. तो इसको मैंने क्या बोला था? Beta hydroxy. हाँ, beta hydroxy primary amine. Clear? So always remember, if you have a compound which is alpha hydroxy acid, there have to be a relation of cyanohydrin hydrolysis. If there is a beta hydroxy primary amine, then it will be a reduction of the cyanohydrin compound. And this reduction was given a name as Mendius reduction. ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर ये वाला रहेगा, pH C COH and CH3, that's option A. और एक ऑब्जर्वेशन है इस कंपाउंड में,
This compound will be optically active except in case of सिंपल कीटोन्स या फॉर्मल्डिहाइड आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं मिलेगा बराबर बिकॉज सिंपल कीटोन में ये दो ग्रुप क्लैश हो जाएंगे और फॉर्मल्डिहाइड में भी आपका एचएच हर एल्डिहाइड कीटोन में दिस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड विल ऑलवेज बी एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इवन द बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड यू सी विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. अच्छा इस केस में अगर आपका सिंपल कीटोन हो तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा और फॉर्मल्डिहाइड होगा तो भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा. सो सेम केस दोनों में वैलिड है. ठीक है नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद व्हाट्स दिस. अरे हाँ पर्ल आयोडिक एसिड अपना अल्फा बीटा ए करता है. एक मिनट डी 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 पर आयोडिक एसिड के अलावा एक और रिएजेंट है जो ये SCO2. हाँ हाँ SCO2 ना 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 SCO2 तो आपका CH3 को CHO में बदलता है. लेड टेट्रा एसिटेट पर आयोडिक एसिड एंड लेड टेट्रा एसिटेट आर टू इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स. लेड टेट्रा एसिटेट का फॉर्मूला वुड बी PbCH3COO 4 टाइम्स. ठीक है और ये क्या क्या बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है. इट कैन क्लीव द विसिनल डायोल्स सबसे इंपॉर्टेंट. उसके अलावा इट कैन ऑल्सो क्लीव द हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप विच कैन बी एल्डिहाइड और अ कीटोन. ठीक है और उसके अलावा विसिनल कार्बोनाइल कंपाउंड को भी क्लीव कर सकता है. बना था क्या है सॉरी प्रोडक्ट क्या है इसका. हाँ मैं बताता हूँ. सो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल के अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइन भी ये रिएक्शन देता है. अमाइनो ग्रुप होगा सॉरी हाइड्रोक्सी की जगह अमाइन ग्रुप अल्फा हाइड्रोक्सी अल्फा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड भी यहाँ पर रिएक्ट करता है. ठीक है तो ऑब्वियसली आंसर तो डी हो गया. अब इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना होता है. सो इफ यू हैव द सिंपलेस्ट ऑफ द ग्लाइकॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल. ठीक है तो HiO4 क्या करता है. इट लीव्स द CC बॉन्ड ऑफ द डायोल. ठीक है और अगर यहाँ पे H रहेगा तो द प्रोडक्ट विल बी एन अल्डिहाइड और H नहीं होगा तो इट वुड बी अ कीटोन. मतलब ये ब्रेक करने के बाद लेफ्ट साइड का कंपाउंड क्या होगा. फॉर्मल्डिहाइड प्लस ऑब्वियसली यहाँ पे सिमेट्री है तो 2 moles आएगा. ठीक है सिमिलरली अल्फा हाइड्रोक्सी वाले कंपाउंड में इट विल क्लीव दिस पर्टिकुलर बॉन्ड. ये CC बॉन्ड तोड़ेगा अभी यहाँ पर क्या देगा. एसिटाल्डिहाइड लेफ्ट में देगा एसिटाल्डिहाइड और ये क्या प्रोपेनॉल. प्रोपेन कैसे देगा दो ही कार्बन है. और इथेनॉल इथेनॉल ऑक्सीडाइज करेगा. दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाबा. हाँ तो इथेनॉइक एसिड ये सेकेंडरी अल्कोहल को पहले तो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा. So you can visualize this as a diketone, na, vicinal wala. Ye hoga ki nahi? Acha, pehle hoga. Theek hai, aur uske baad ye CC bond ko cleave karega. So again symmetry hai, so it will give you both sides. Again, acetaldehyde. Acetaldehyde hi dega. Aur ye same compound C mein hai, dekho. Jo diya hai maine. Yes. Clear hai? अगर आपके पास CH3CHOH हो और यहाँ पे CCH3CH3OH हो तो अब क्या देगा. पहले एसीटोन और उसमें एसिटाल्डिहाइड. यहाँ से एसिटाल्डिहाइड H होगा तो एल्डिहाइड होगा. H ना हो तो फिर कीटोन होगा. दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स इन अ सिंपल मैनर. ठीक है सो पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्रा एसिटेट they are good oxidizing agents which can cleave the CC bond of vicinal diol
विसिनल कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी या अल्फा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सर सो इन द लास्ट क्वेश्चन लाइक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल इट विल फॉर्म एल्डिहाइड एंड 3 डिग्री इट विल फॉर्म अ कीटोन एसर। यस यस ओके परफेक्ट। Which of the following is the final product in the reaction between benzoyl chloride and phenyl magnesium bromide? Benzoyl chloride. Generalize karo. RCOCl. Plus Grignard. Aapko strike hua. Acyl chloride and Grignard. ये शायद एक एल्डिहाइड कीटोन का है ना रिएक्शन। हाँ कीटोन का प्रिपरेशन है। कीटोन का है भाई। अरे मैं इनको दिख ऑप्शन में दिखने हार्ड डी होगा डी। हाँ लेकिन फाइनल बोला है इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो इंटरमीडिएट होगा कीटोन। एंड दैट कैन रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड इफ इट इज अवेलेबल इन एक्सेस एंड व्हाट वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट कीटोन एंड ग्रिग्नार्ड गिव्स व्हाट अल्कोहल सर कौन सा अल्कोहल अभी हम आइडेंटिफाई कैसे करते थे द कीटोन व्हिच इज ऑब्टेंड इज RCOR डैश R और R डैश यहां से कॉपी पेस्ट और अगर हम ग्रिग्नार्ड को एक्सेस में कंसीडर करें तो द टर्शियरी अल्कोहल विल हैव वन ऑफ द ग्रुप कमिंग फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड अदर टू ग्रुप्स विल बी कमिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड कभी जस्ट कॉपी पेस्ट करे तो आर की जगह यू हैव बेंजीन और आर डैश की जगह मिथाइल और मिथाइल नहीं फिनाइल ही है सॉरी फिनाइल ही है ना तो तीनों फिनाइल तीन पीएच तीन पीएच और ओएच तो पीएच थ्राइस एंड सीओएच दैट वुड बी द आंसर ऑप्शन डी समझा ऑलवेज रिमेंबर द जनरल रिएक्शन असाइल क्लोराइड एंड ग्रिग्नार्ड गिव्स यू अ कीटोन व्हिच इन इफ रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड इन एक्सेस गिव्स यू अ टर्शियरी अल्कोहल अच्छा असाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड का कौन सा रिएक्शन था असाइल क्लोराइड डिबालेज अरे वो रिडक्शन व्हिच रिडक्शन स्टीफन स्टीफन रिडक्शन Stephen is cyanide to aldehyde. Stephen is cyanide to aldehyde and Rosenmund. Green reaction तुम लोग कैसे बोल सकते हो? Yeah. Acyl chloride with H2, palladium, barium sulfate, Lindlar's वाला reaction ना? Yes. Pyrene or quinoline gives you an aldehyde. And cyanide को हम SnCl2 plus dilute HCl के साथ amine complex बनाते हैं, फिर उसका hydrolysis करके aldehyde बनाते हैं। This is your Stephen's reduction. ये Rosenmund है और ये Stephen's है। Clear? Yes. अच्छा, ester को aldehyde में कैसे convert करते हैं? Ester to aldehyde. सेम है ना इसका भी वही है डिबाल डिबालेज डिबालेज हां पार्शियल रिडक्शन क्योंकि अगर ईस्टर को हम LiLH4 के साथ करें ईस्टर को LiLH4 के साथ रिड्यूस करें तो क्या मिलता है अल्कोहल अल्कोहल मिलता है अल्कोहल मिलता है कितने अल्कोहल मिलते हैं दो अल्कोहल दो अल्कोहल याद कैसे रखना है R dash का OH और R से primary R से CH2 OH हाँ you have to remember as it gives a mixture of a primary alcohol from R and a general alcohol from R dash आप कैसे बोलते हो उसके ऊपर बहुत dependent है कि आप कैसे product को समझोगे तो Dibal H is a partial reduction LiLH4 is a complete reduction into a mixture of alcohols इधर भी दूसरा product R dash OH रहता है ठीक है तो ये तीन aldehyde के preparations हो गए through reduction reactions yeah two phenyl ethanol may be prepared by reaction of phenyl magnesium bromide with phenyl ethanol ये हो गया ethanol ये one ये two और two पे phenyl
पूछा है कि 2-phenylethanol can be prepared from phenyl magnesium bromide and what? Amir, क्या बोले? Option D. D. This is a very famous reaction of epoxide ring opening. Epoxide. Epoxide reacts with the Grignard reagent to form a primary alcohol with 2 carbons more, na? ये 2 carbon जो आ रहे हैं वो यहाँ से ही आ रहे हैं ना? So if this was RMGX, the product of epoxide, epoxide को हम oxyring भी बोलते हैं. This is the simplest epoxide, also called as oxyring, या फिर cyclic ether. Cyclic ether को ही epoxide बोलते हैं. Simplest वाले को oxyring नाम देते हैं. A very important reaction of oxyring with Grignard giving you RCH2 CH2OH. Ascending का एक काफी important example है ये. तीन से ज्यादा कार्बन का हुआ तो ब्रेक कैसे करने का? अब सिंपलेस्ट इपॉक्साइड की अगर बात करें तो दिस इज द रिएक्शन. अभी अगर आपका इपॉक्साइड कुछ इस तरह का है तो वो इपॉक्साइड इसका ब्रेकडाउन तो वैसे ही है. मैकेनिज्म की अगर बात करें तो द ग्रिग्नार्ड विल ब्रेक डाउन एज आर नेगेटिव एंड MgBr प्लस. ठीक है, आफ्टर द ब्रेकडाउन दिस विल बी ब्रोकन डाउन एज ओ नेगेटिव एंड सी प्लस. सो ये आर माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड टूटेगा, इट विल बी गिविंग यू आर सी एच टू सी एच टू ओ और फिर हाइड्रोलिसिस होता है गिविंग यू द प्राइमरी अल्कोहल. अब अगर ऐसा होगा तो भी अटैक वैसे ही होगा एंड द ब्रेकडाउन वुड बी इन द सिमिलर फैशन. इट्स जस्ट दैट द असेंडिंग विल बी ऑफ 3 carbons, 4 carbons एंड सो ऑन. अगर एसिटल्डिहाइड से किया तो 1 पे आ जाएगा ना पीएच. एसिटल्डिहाइड सेकेंडरी बनेगा ना सर, तो प्राइमरी है. कहाँ पे एसिटल्डिहाइड यूज कर रहे हो? नहीं नहीं, इधर ही पीएच एमजीबीआर के साथ एसिटल्डिहाइड यूज कर रहे हो. सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा. हाँ भाई, 1 पे आ जाएगा मतलब. 1-phenylethanol बनेगा. 1-phenylethanol. 1-phenylethanol. हाँ. अभी इसमें अगर इस epoxide में you have a branch वाला epoxide जैसे methyl group यहाँ पे लगा दो और अब आपका RMGX का reaction हो रहा है तो it will attack which carbon? This one or this one? Left या right? Right. Because concept अभी बता दिया मैंने, R negative will be acting as a nucleophile, so it will attack the stable carbocation ना, the stable carbocation यहाँ से मिलेगा because this will give you a what secondary carbocation यहाँ पे और एक अगर मैं branch डाल दूँ तो tertiary carbocation, so it all depends on the stability of the carbocation. समझा? So it will give you R, CH, CH3, CH2 and O negative will hydrolyze to form OH. ऐसा product मिल जाएगा. ठीक है, ये सबसे simplest reaction है. इसके variations में फिर carbocation की stability आपको observe करनी रहेगी. Okay? Next. Propyne with the Grignard reagent gives you methane and A. How did it give methane? हाँ, alkane देता है ना, H containing compound के साथ react करता है. Yes, terminal alkynes are acidic and if the Grignard comes in contact with any H plus containing compound, it will immediately form a hydrocarbon. And the byproduct in this case would be H को निकाल दो. आपका ट्रिपल बॉन्ड सी विल बी बॉन्डेड टू MgBr, मतलब एक ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, फिर CO चला जाएगा, फिर CO2H3O+ ये अपना कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है, सॉलिड CO2 या ड्राई आइस, राइट? असेंडिंग. हां यस, ये भी असेंडिंग है
तो यहाँ पे अल्काइन का पार्ट सेम रहेगा और ग्रिग्नार्ड का MgBr would be replaced with COH. The answer is A. A कैसा आएगा? एसिड है, एसिड. C. समझा? और जब भी असेंडिंग सोचो तो हमेशा याद रखो साइनाइड वर्ड्स और ग्रिग्नार्ड. ये बहुत कॉमन रिएजेंट्स है फॉर असेंडिंग ऑफ सीरीज. नेक्स्ट यू हैव एल्डिहाइड. काइनेजारो. यस, वेरी गुड. एल्डिहाइड और अल्कली वो भी 50% वाला है, मतलब कैनिजारोज है. एंड इसमें दिस विल अंडरगो इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारोज. तो एक एल्डिहाइड होगा और एक सॉल्ट होगा. एक अल्कोहल और एक एसिड. हाँ, एक एल्डिहाइड होगा ऑक्सीडाइज और दूसरा होगा रिड्यूस टू फॉर्म अ प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट हो गया. और वो सॉल्ट नहीं बनता है, सॉल्ट एक का सॉल्ट बनता है ना कैनिजारो में. हाँ, मतलब यहाँ CO नेगेटिव डाल सकते हो, फिर H प्लस दिया है ना, फिर H प्लस के बाद हाँ फाइनली वो एसिड बन जाएगा. अच्छा, उधर उधर इसका है जो CH2OH का OH निकलेगा और रिंग बना देगा. हाँ, अभी H प्लस के प्रेजेंस में व्हेन देयर इज एसिड एंड अल्कोहल इट अंडरगोस इंट्रामोलिक्यूलर रिंग फॉर्मेशन, इंट्रामोलिक्यूलर एस्टरीफिकेशन, है ना. तो ये एस्टरीफिकेशन में एसिड का OH और अल्कोहल का H निकलता है एंड वी विल गेट अ साइक्लिक एस्टर विद C डबल बॉन्ड O, O, CH2 एंड दिस. सो द आंसर विल बी C. है ना. साइक्लिक एस्टरीफिकेशन. सो कैनिजारोज एंड ये हो गया अपना साइक्लिक एस्टरीफिकेशन इंट्रामोलिकुलर. नेक्स्ट, सजेस्ट अ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द ए कन्वर्जन? OH का COH, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए. OH नहीं है वो, ऐसे मत बोलो. कौन सा वाला अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल से एसिड, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा इधर. और एक चीज देखो ऑब्जर्वेशन में, डबल बॉन्ड टूटा नहीं है. ठीक है, और बी वाले कन्वर्जन में क्या दिख रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन रहा है. सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन. MnO2 का खास बात क्या है? तो जोन्स रिएजेंट, मतलब तो CrO3 फर्स्ट में यूज हुआ है. हाँ, जोन्स वाला रिएजेंट है, पर जोन्स रिएजेंट माइल्ड है कि स्ट्रॉन्ग है? माइल्ड. नहीं, माइल्ड है, माइल्ड है. माइल्ड. और वो डबल बॉन्ड का इफेक्ट करता है कि नहीं? नहीं 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 करता. MnO2 का खास बात क्या था, टेल मी. वो क्या अलाइलिक. हाँ, अलाइलिक. MnO2 इज अ सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस अलाइलिक एंड पाइरोगैलिक. मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो अल्कोहल्स है उनको वो ऑक्सीडाइज करता है विदाउट अफेक्टिंग द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. रिमेम्बर दिस. तो यहाँ पर कैन आई से दिस इज sp3 एडजेसेंट टू sp2 वाला चेन, मतलब इट्स एन अलाइलिक अल्कोहल. यस सुनो. यस सर. तो अगर अलाइलिक या पाइरोगैलिक अल्कोहल्स होंगे तो फिर MnO2 इज अ सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच विल बी ऑक्सीडाइजिंग देम इनटू द एसिड्स विदाउट अफेक्टिंग द डबल और ट्रिपल बॉन्ड. एंड सेकंड केस में ये वाला यूज होगा या O3 जोन्स वाला. द आंसर इज ए. क्योंकि अगर बी ऑप्शन होगा तो वो वैलिड नहीं है ना, क्योंकि
के बी में तो हमारा अलाइलिक या पाइरोलाइलिक है ही नहीं, ठीक है। Which of the following is an anionic detergent? डिटर्जेंट्स के सेक्शन में तीन टाइप के डिटर्जेंट थे ना, डी हाँ न्यूट्रल न्यूट्रल कैटायनिक और डी इज नॉट अ डिटर्जेंट समीर, अच्छा डिटर्जेंट नहीं है, सोप है ना, हाँ सोप है, सोप है, हाँ सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड्स सर, अमोनियम वाला कैटायनिक होता है ना, पॉजिटिव अमोनियम कैटायनिक है, अनायनिक कौन सा है, सोडियम लोराइल सल्फेट, ये जो शैम्पूज वगैरह में यूज होता है। तो डिटर्जेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, अनआयोनिक डिटर्जेंट्स जिसमें सल्फोनेट का ग्रुप देखना होता है, SO3 माइनस Na प्लस सल्फोनेट्स, फिर सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड, ये सारे कैटायोनिक डिटर्जेंट्स में क्लासिफाई होते हैं जिसका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है N+, ठीक है, और ग्लिसराइल ओलिएट और स्टीयरेट ये सब अपने सोप्स सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं विच आर क्लासिफाइड इनटू सोप्स। अच्छा डिटर्जेंट में एक और क्लासिफिकेशन है न्यूट्रल, उसके अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, पॉली ईथर या पॉली एस्टर, पॉली एथर या पॉली ईस्टर ग्रुप जो होते हैं वो न्यूट्रल डिटर्जेंट्स में क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। तो जस्ट रिमेम्बर अनायोनिक में यू हैव टू सी द सल्फोनेट फंक्शन ग्रुप, कैटायोनिक में अमोनियम, न्यूट्रल में ईथर या एस्टर रिपीटेड एन टाइम्स पॉलीमराइज्ड। फॉर्मिक एसिड कैन रिड्यूस, हां टोलेंस को तो करता है, सी डबल बॉन्ड तो, हां इट इज द ओनली एसिड बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीएचओ ग्रुप, सीएचओ ग्रुप, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग द एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट करेगा नहीं करेगा, डजंट पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू, ऑक्सीडाइज करना है, अच्छा एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बराबर एल्डिहाइड तो करेगा ना, हां हां COOH बनाएगा उसको, तो यहां पर HOOC OH मिलेगा, क्या कंपाउंड है ये, What is HOCOH? Molecular formula देखो। अरे कार्बोनिक एसिड है ये। अच्छा। और ये कार्बोनिक एसिड काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है तो इमीडिएटली H2O और CO2 में ब्रेक हो जाता है ना। और टोलन्स के साथ तो हमें पता ही है एल्डिहाइड वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा और वंस अगेन H2O प्लस CO2 तो देगा ही, उसके अलावा जो टोलन्स का अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट है दैट विल गिव यू अ सिल्वर का प्रेसिपिटेट ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब व्हिच गिव्स यू अ शाइनिंग मिरर लाइक अपीयरेंस दैट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। और वैसे ही मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है वो भी टोलन्स के जैसा ही रिएक्शन देता है बट उसमें सिल्वर की जगह मर्क्यूरी प्रेसिपिटेट होता है प्लस H2O प्लस CO2 वाला जो पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा, क्लियर क्लियर, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, सो देयर इज अ रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद X then with Y, finally giving you propanol. Propanol. Options को देखो और track करो. अगर मैं MnO4 A तो नहीं होगा, A तो नहीं होगा क्योंकि MnO4 minus strong है, तो COOH बना देगा. Correct. CrO3. But hydrolysis नहीं, तो BH3 वाला और फिर pyridine, CrO3 वाला. देखो, अगर इसमें हम अलग-अलग cases लेते हैं, तो propene का
एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कर देते हैं सेकंड वाले कार्बन पे होगा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा टर्मिनल है तो दैट वे आल्सो वी कैन थिंक हां टर्मिनल वाले फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंस मतलब यहाँ पर आपको टर्मिनल वाला अल्कोहल एंटी रोल होगा करेक्ट एंटी वाला रोल होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल वाला पार्ट तो रूल्ड आउट है क्योंकि इससे आप ऑक्सीडाइज करो तो एसीटोन मिलेगा एल्डिहाइड तो मिलेगा ही नहीं और अगर आप पीएच थ्री टी एच एफ करते हो तो फर्स्ट स्टेप में ट्राई अल्काइल बोरेन मिलता है प्राइमरी अल्कोहल और फिर एच टू ओ टू ओ एच निगेटिव के प्रेजेंस में वी गेट अ फेमस कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन टू प्रोपेन Phenol. अब मुझे इसको एसिड में कन्वर्ट नहीं करना है तो CRO3. अगर एसिड में कन्वर्ट करना होता तो स्ट्रॉन्ग लगता strong oxidizer. तो यहाँ पे CRO3 पाइरिडीन वाला माइल्ड लगेगा और माइल्ड क्या करेगा प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड यानी प्रोपेनल में कन्वर्ट करेगा तो एक ही फिजिबल ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी क्लियर Phenytoal reacts with HI to produce. What is phenytoal? OC2H5. pH पे OC2H5. जो साइक सॉरी aromatic ethers है उसमें anisole एक anisole होता है और दूसरा phenytoal होता है. तो if you have benzene with OC2H5 that's phenytoal. खाली ये compound आपको समझ में आना चाहिए था. बाकी reaction HI के साथ क्या देगा? Phenol और ethyl iodide. Phenol प्लस इथाइल आयोडाइड जो बल्की वाला ग्रुप है वो अल्कोहल देगा और छोटा वाला आयोडाइड देगा ठीक है अगर हम एच आई को एक्सेस में ले ले या हॉट तो भी इसमें OH ही लगेगा इधर OH होगा अरोमेटिक ईथर्स में द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ फिनोल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज कोल्ड एच आई और हॉट एच आई रिमेम्बर इट बिकॉज यहाँ पर ये वाले बॉन्ड को तोड़ना काफी Phenol is never converted into iodobenzene. ये conversion aromatic ethers में चाहे anisole हो या phenytoal हो ये conversion नहीं होता है. Remember this very well. Either cold HI or hot HI, phenytoal is always going to give you phenol as one of the product and the other will be iodide, whatever is the second group. Is that clear? The answer is option B. There is a compound A with alkaline medium giving you a cyclic ether. Options देखोगे तो first में diol है, second भी diol है, third आपका halohydrin है, and fourth dihalo है. सर वो बाईसाइक्लो कंपाउंड है सामना इसको बाईसाइक्लो अभी ऑक्सीजन कार्बन होना चाहिए ना नहीं दो कार्बन कॉमन तो है इट इज अ बाईसाइक्लो कंपाउंड बट ये ईथर वाला हो जाएगा कंपाउंड और ये ब्रिज कंपाउंड है ऐसे ही होता है ना बाईसाइक्लो में दो कार्बन कॉमन होते हैं स्पाइरो में एक ही कार्बन कॉमन होता है दिस इज आल्सो बाईसाइक्लो इट्स जस्ट दैट बाईसाइक्लो अल्केन्स अगर बोलो तो ये बाईसाइक्लो अल्केन है बट इसको हम बाईसाइक्लो ईथर बोल सकते हैं बिकॉज ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप हियर टू कार्बन कॉमन है वो इम्पोर्टेंट है हाँ चलो थिंक अबाउट अ रिएक्शन जिसमें अल्कलाइन मीडियम है और हमें एक साइक्लिक ईथर मिल सकता है व्हाट विल अल्कलाइन मीडियम डू इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शनल ग्रुप OH एंड बी आर दो ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं चारों ऑप्शन में क्यूमुलेटिवली राइट कौन से फंक्शनल ग्रुप को OH माइनस अटैक कर सकता है बी आर को एंड आंट द अल्कोहल्स वीक एसिड्स डू दे रिएक्ट विद OH नेगेटिव यस और नो ये वाला साइक्लिक ईथर मिलने के लिए आपका यहाँ पर रिएक्शन में OH और H निकलना चाहिए ताकि O कॉमनली ज्वाइन हो जाए ठीक है A और B में फर्क क्या है
in A, the OH groups are on the opposite side. In B, they are on the same side. So reaction feasible kab hoga when both of them are? A wale mein. On the... Ek minute. Opposite side. Cis hona chahiye ki trans? Opposite side hona chahiye na. Same side pe hoga. Tabhi to wo easily nikalega. Matlab B ek feasible option hai. B feasible. C aur D mein, आपका डी जो है वो डाई हेलो कंपाउंड है, उसमें तो ओ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली हाँ, ये भी रूल्ड आउट है और ए तो रूल्ड आउट किया ही था हमने. अब इसमें अगर आप देखो तो ये वाला कंपाउंड लाने के लिए मुझे यहाँ से एच और बी आर को निकालना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे एच और ओ एच को निकालना पड़ेगा. तो जस्ट नाउ दिस कन्वर्जन कैन आई कॉल इट एज अ डिहाइड्रेशन? Yeah. And can I call the dehydrohalogenation? Have I simplified the reaction now? Yeah. Tell me the correct option now. Dehydrohalogenation. Because yes. Dehydrohalogenation hota kiske presence mein? Base ke presence. Alcoholic KOH. And what is alcoholic KOH equal to? A very strong base. Ethoxide ke equivalent hota hai ki nahi? This is how you think about the conversions. देखो मैंने A को rule out क्यों किया? Because the OH were on the opposite side. D को rule out किया क्योंकि वहाँ पे oxygen है ही नहीं. अब B और C में if I want to get this desired product, I need to follow a dehydration reaction. For that, I need to have the acidic medium. H plus के presence में ये हो सकता था, right? और डिहाइड्रोहैलोजनेशन हम अल्कलाइन मीडियम में करते हैं. यस और नो? सर लास्ट वाले में दोनों बी आर ओ एच में कन्वर्ट हो सकता है ना? दोनों बी आर ओ एच में कन्वर्ट हो सकते हैं लेकिन उसके बाद भी डिहाइड्रेशन होने के लिए आपको एसिडिक मीडियम लगेगा ना. हाँ, अगर आपका ऐसा दिया होता कि ए फर्स्ट स्टेप मान लो आपका OH नेगेटिव है और सेकंड स्टेप प्लस है तो फिर आपका ऑप्शन ए और डी दोनों वैलिड हो जाएगा. एंड सर आपने कोई कोई एलिमिनेशन में बोला था ना कि ये सेम साइड पे होना चाहिए तो ही होगा, तो वो कौन सा था? अरे ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए, सॉरी. जब E2 mechanism हम बात करते हैं ना तो उस केस में trans elimination का favor होता है. जैसे आपका एक compound है मान लो ये वाला, ठीक है, इसमें Br है आपका out of the plane और इसका H है out of the plane और यहाँ पे मान लो CH3 है और यहाँ पे PH है. अब इसमें अगर हम एलिमिनेशन करते हैं तो फिर विल द डबल बॉन्ड अपीयर बिटवीन दिस टू कार्बन्स और एट सम डिफरेंट पोजीशन? डिफरेंट पोजीशन ना PH और BR के भी. तो अब जब अल्कोहलिक KOH होता है तो इट फॉलोज द E1 और E2 mechanism. E2 ना? E2 होता है. Alkaline hydrolysis of alkyl halide is E2 mechanism. ठीक है, तो इस E2 mechanism में ये जो elimination होता है, that should always be trans elimination. मतलब the Br and H जो leaving groups है या elimination वाले groups है, they should lie on the opposite side. Now, if you look at this Br, it's coming out of the plane, so the edge has to be behind the plane. So if you follow this elimination, it will give you the minor product. But if I consider the edge over here, this elimination will be favorable. Matlab, the double bond will be coming not between these two carbons, but between these two carbons with the phenyl here and the methyl over here. ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट. इसको बोलते हैं ट्रांस एलिमिनेशन. इस केस में आप देखोगे ना तो द एच एंड बी आर आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन, जो लीविंग ग्रुप है जो निकलने,
इस वाले रिएक्शन में जो H निकल रहा है वो डायरेक्टली कार्बन से नहीं जुड़ा है, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. तो अगर इसका मैकेनिज्म आप सोचो तो देयर इज दिस कंपाउंड विथ OH ओवर हियर, ये वाला CH3 है और यहाँ पे आपका Br है. ठीक है, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में क्या करेगा, फर्स्ट इट विल फॉर्म द अल्कोक्साइड. Then this alkoxide will attack the carbon and Br as a good living group will be kicked out. और फिर ये O negative carbon को जुड़ेगा to give you this cyclic ether type structure. समझा? इसमें वो carbocation का formation होता है क्या E2 में? हाँ, इसमें होगा. इसमें होगा because this will be a slow step ना. हाँ, तो फिर rearrangement भी तो होगा ना. पहले Br minus निकलेगा. बट आइदर वे अब ये सिमेट्री है ना ये कंपाउंड में. हाँ, अरे वो पीएच वाले सी पे प्लस आएगा ना. देखो आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी द अल्कोक्साइड, यहाँ पे CH3 एंड अ प्लस. ठीक है, हाँ इसमें तो है. होगा क्या रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आप कहाँ होगा, पर कैसे होगा ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पर आ जाएगा. नहीं, मैं इसके वाले इसके नीचे वाले की बात कर रहा हूँ. इसके नीचे ये वाले में, हाँ इसमें नहीं होगा ना. E2 में थोड़ी ये कार्बोकैटायन बनता है. E2 इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म बाबा. मैंने आपको हमेशा एक स्टेटमेंट बोला है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल Always follows. E1, क्योंकि एसिडिक मीडियम में H plus OH के साथ वाटर बना के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बनाता है. और डीहाइड्रोहैलोजनेशन जो है वो हमेशा E2 फॉलो करता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस. फंडा क्या था कि अगर आपके पास यहाँ पे एक अल्कोहल है, ठीक है, और आप डिहाइड्रेट कर रहे हो, तो इज द OH अ गुड लिविंग ग्रुप? No, H+ जाएगा, H2O बनेगा. H+ जाकर H2O बनाकर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाता है, इसीलिए यहाँ पे दो स्टेप का मैकेनिज्म फॉलो होता है. ठीक है, लेकिन यही चीज हम अगर हैलाइड की बात करें तो मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ना. यहाँ पे नॉर्मली हम लिखते हैं C2H5O- CTO-, याद आया? Yes. So this is such a strong base and Br as a good living group that the living groups H and Br will be eliminated simultaneously. और इस केस में आपका butene एक ही स्टेप में बन जाएगा. This is E1 and this is E2. So this depends on the reagent and also on the living group ability. एक स्टेटमेंट तो याद ही रखो, dehydration of alcohol always follow E1. Dehydrohalogenation of alkyl halide always follow E2. Okay? Yes. Yes, sir. Next. NaBH4 hai and what functional groups do you see? Ester and ketone. Ester and ketone. So ketone ka to CHOH. Aur kaun nahi hoga? Ketone ka to CHOH ban jayega. एंड ईस्टर रिड्यूस होता है NaBH4 से? नहीं ईस्टर नहीं होता है. एसिड एंड ईस्टर आर रिड्यूस्ड ओनली LiAlH4. मतलब NaBH4 के साथ ये तो बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल और जो अपना ईस्टर है वो वैसे का वैसा रहेगा. व्हाट इज द आंसर? यही ना, बी अपना बी. बी तो ऐसा हो गया, स्लो ओएच है भाई. सॉरी ना, इफ यू सी सी हाँ सी है सी. क्यों, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? रिंग. हाँ, रिंग तो बनाएगा. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ये नाइलॉन सॉरी टेरिलीन में देखा है.
Trans-esterification. What is trans-esterification? Esterification is ester prepared from acid and alcohol. Yeah. Trans-esterification is ester prepared from ester with alcohol as the reagent. Okay. हमने टेरिलिन में किया था कि नहीं किया था? पॉलीमर याद है? रे है कि नहीं? सर वो दूसरे सर आए थे तभी। ये भगवान। ओके टेरिलिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड डाइमिथाइल टेरेफ्थेलेट। तो ये था प्लस डीएमटी डाइमिथाइल टेरेफ्थेलेट। अपना डाइमिथाइल टेरेफ्थेलेट में वी हैव CH3OH OO CH3 सामने सामने मिथेनॉल निकलता है, मिथेनॉल ईस्टर है और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी तो एस्टर ही था। तो हमने यहाँ पर लिखा था ट्रांस एस्टरिफिकेशन, कुछ याद आया? आया कि नहीं आया? सो जब भी ईस्टर प्रिपेयर होता है ईस्टर से उसको हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। So, इस केस में द अल्कोहल एंड द एस्टर आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, सो इट कैन अंडरगो द ट्रांस एस्टरिफिकेशन इंट्रामॉलिक्यूलर। सो व्हाट विल गेट ओवर हियर इज ये वाला मिथेनॉल का एलिमिनेशन हो जाएगा। OH और CH3 हां मिथेनॉल निकल गया। तो अब यहां पे जो साइक्लिक ईस्टर मिलेगा दैट विल बी विद थ्री कार्बन्स एस्टर ग्रुप एंड अ मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट। So you can see three carbons, ester and a methyl as a substituent. So यहाँ पे तो ester group है ही नहीं, option में एक ही cyclic ester था, and the answer is option B. Clear? समझा? Yes sir. Next, what's the functional group you observe? असाइल क्लोराइड एक ही फंक्शनल ग्रुप है। अब असाइल क्लोराइड विद अमोनिया HCl निकल के NH2 देगा, अमाइड बनेगा। असाइल क्लोराइड से अमाइड का कन्वर्जन है, पर अमाइड विद Br2OH नेगेटिव कौन सा रिएक्शन? डिग्रेडेशन Hoffman's bromide degradation and the amide changes to amine RnH2. Decarboxylation example है। तो first step में amide बनेगा और second step में उसी amide group के conversion में NH2 आ जाएगा। And अब अगर stereochemistry की बात करें तो if the acyl group is out of the plane, the amide and the NH2, will there be any inversion? NH2 will lie in the same position. Steric factor सोचो तो समझ में आ जाएगा। हाँ तो backside attack होगा। Backside attack में NH2 will go opposite side में आ जाएगा। तो answer A है ना? अच्छा एक और चीज पर H का H क्यों चेंज हो रहा है? H का पोजीशन क्यों चेंज हो रहा है? अगर NH2 पीछे जाएगा तो H has to come, सेम ही रहेगा ना, H पीछे ही रहेगा। दो ग्रुप्स पीछे कैसे हो सकते हैं काइरल कार्बन पे? इफ दिस गेट्स बिहाइंड, ये बिहाइंड आएगा तो ये आगे आ जाएगा ना। सर अगर वो सेकेंडरी कार्बन होता तो फिर मतलब रह सकता था शायद। दो ग्रुप्स बिहाइंड द प्लेन कैसे होगा? एक तो बिहाइंड होगा या दो सेम प्लेन में होगा? अगर काइरल ना हो तो काइरल ना हो तो फिर ये डैश और वेज का कोई मतलब ही नहीं है ना। अच्छा अब यहाँ पर एक वेरिएशन बताता हूँ। बेंजामाइड है and if you have LiAlH4 and H3O+,
एंड अगर आपके पास Br2OH नेगेटिव है, इज द प्रोडक्ट डिफरेंट? यस, पहले में CH2NH2, सेकंड में PHNH2, पहले में प्राइमरी अमाइन विद सेम कार्बन और दूसरे में एनिलीन बनेगा विद वन कार्बन लेस. अच्छा, इफ आई हैव Br2OD- instead of OH, I have OD negative. भी aniline बनेगा. Aniline बनेगा. Is there any difference of the H? नहीं नहीं इसमें नहीं होता. ND2 मिलेगा. इसका mechanism मैंने बताया हुआ है. And if you remember, amide का Hoffman's bromamide degradation में पहले NHBr मिलता है. And इस रिएक्शन में देयर इज वन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट व्हिच इज फॉर्म इनोलेट. नहीं नहीं नहीं, इनोलेट किधर बनता है? इनोलेट उधर बनता है, अल्डोल में बनता है. हां, अल्डोल में बनता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट. अरे वो क्या, आइसो मिथाइल आइसोसाइनेट? हां, वो मिथाइल तो मिथाइल के ग्रुप के साथ मिलेगा, लेकिन आइसोसाइनेट. हाउ डू यू राइट आइसोसाइनेट? NCO, PH, N double bond C double bond O, इसको phenyl isocyanate बोलेंगे. और अब आगे के स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं NaOH NaOH के साथ, और फिर वहां के H यहां पे लगते हैं. तो अगर मेरे पास NaOH की जगह NaOD हो, तो आपका जो aniline बनेगा that will be PH and D2. समझा? Yes. ये आइसोसाइनेट के बाद जो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट है, द एच कम्स फ्रॉम हियर. सो ऐसा नहीं है कि अगर आपका अमाइड CONH2 है तो खाली ये CO उड़ा दिया, वो तो शॉर्टकट बोला था, और NH2 लगा दो. बट ये जो NH2 आता है, दिस इज नॉट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हियर. ये एच तो निकल जाते हैं ना टू फॉर्म द आइसोसाइनेट, एंड नाउ द एच आर न्यूली एडेड फ्रॉम द alkaline medium. So if it is NaOH, it is remaining the same. वो coincidence हो गया. But अगर आपका OD negative है, तो ND2 मिलेगा. समझा? सर, EWG देखते हैं बड़े बड़ा था ना, या EDG? इसमें? इसमें ही. अगर कुछ group लगा होता तो EWG या तो EDG. इसमें आपका नेगेटिव ग्रुप इंटरमीडिएट बनता है, सी नेगेटिव कार्बनाइन जैसा. कार्बनाइन को स्टेबलाइज कौन करता है? ईडब्ल्यूजी. हाँ, तो अच्छे ईडब्ल्यूजी ग्रुप्स होंगे तो फिर ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन फास्टर होगा. हाँ ठीक. एन एस्टर विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O2 वाज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड एंड द कॉम्प्लेक्स सो फॉर्मड was treated with H2SO4 to give a olefin. Ozonolysis of B gave a ketone with molecular formula C8H8O, which shows positive iodoform test. हाँ, तो B तो B तो वो है ना, acid of phenone है. D कौन सा? ये वाला D. B जो ketone है. हाँ. That is acid of phenone. Yes, it has to be. बिकॉज अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो उसमें खास बात क्या होनी चाहिए? मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए. और अगर दो कार्बन चले गए, और अगर आपका DU चेक करोगे तो DU कितना आता है? DU का फॉर्मूला क्या है? पांच पांच. फॉर्मूला क्या है बोलो? 2C+2-H. बस इधर तो उतना ही आएगा. माइनस एक्स प्लस एन, ये जनरली होता है. अपॉन 2. तो अगर C8 का DU सोचोगे तो 16+2 18-8 10/2 पांच आता है. पांच में से चार खर्च हो जाता है बेंजीन में, और एक खर्च होगा आपका कार्बोनाइल के पाई बॉन्ड में. तो ऑब्वियसली ये वाला जो कंपाउंड है, इट हैज टू बी एसिटोफिनोन, राइट? तो अब अगर आप देखोगे तो कंपाउंड ए एस्टर है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही रूल आउट हो जाते हैं. B तो एस्टर है ही नहीं, C भी एस्टर नहीं है. हेलो. हाँ सर, A ही है, A ही है, A ही तो A है. दूसरा अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखोगे, 9 कार्बन होने चाहिए,
तो डी वाला जो एस्टर है उसमें तो कार्बन हो जाते हैं 13, तो एक ही बचता है आंसर ये, कर लेते हैं। फिर भी अगर रिएक्शन आप सोचते हो तो लेट्स अंडरस्टैंड द रिएक्शन। आई हैव द ईस्टर एज इथाइल बेंजोएट एंड एक्सेस ग्रिग्नार्ड के साथ, तो पहले बताओ ईस्टर का ग्रिग्नार्ड के साथ क्या मिलता है? CH5, पहले कीटोन मिलेगा ना? हाँ, पहले कीटोन, फिर CH3 और ऐड हो जाएगा, फिर अल्कोहल, फिर एक टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा जिसमें से दो CH3 एक फिनाइल फ्रॉम द एस्टर एंड बाकी दो आएंगे आपके ग्रिग्नार्ड के। फिर अगर इसको H+ के प्रेजेंस में इवन एलिमिनेशन से डिहाइड्रेशन करोगे तो कार्बोकैटायन तो मस्त वाला मिल रहा है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, राइट? यस। और H यहां से ही जाएगा तो आपको मिलेगा ये वाला अल्कीन। और अब इसका ओजोनोलिसिस करो, तो डबल बॉन्ड तोड़ो, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन और HCl जो फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। तो भाई ना डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। हां, this was the complete reaction and this will give the iodoform test and the ester has to be this compound only, option A, theek hai? Next, a cyclobutane substituted with chloro and bromo with Mg BR ke sath, BR kya jayega, MgBr banega. Ab 1 mole diya hai, iska matlab it will react with a reactive halide, and halide ka reactivity order kya hai? MgBr ke sath banega. IBC F wala, so Br is more reactive, so chloro will not react over here and we will get MgBr. Fir iska formaldehyde ke sath kaun sa reaction? Grignard and formaldehyde. Plus formaldehyde. फंक्शनल ग्रुप सोचो क्या है, COCl, फिर CO, फिर amide. What is amide with P4O10 reaction? What is P4O10 acting as? Dehydrating. Dehydrating. So amide में से पानी निकलने के बाद एक बहुत important compound बनता है. Cyanide. So again, acyl chloride, फिर amide और फिर cyanide. So you will have a cyano group in place of acid. Answer. बाहर के अंदर sir. बोलो. अंदर बाहर का बिल्कुल है. SN2 नहीं. Sir SOCl2 में होता है ना inversion होता है ना? अब यहाँ पे दो cases था. दो cases था. एक SOCl2 वाला in absence of pyridine और दूसरा SOCl2 in presence of pyridine. हाँ, ये exception था ना, pyridine के साथ 50% वो होता है भाई, अब pyridine में full inversion ना sir, retention किस में होता था? retention सादा सादा associate सादा ना क्या without retention pyridine. Was without आधा, pyridine अच्छा सादा retention. मैं बोला आधा pyridine was retention. SOCl2 इसमें क्या करेगा कि Cl इसी में से अटैक कर लेगा, तो इसको बोलते थे इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हमने बोला था SNI मतलब इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही जो क्लोरीन है वही अटैक कर देता है, एंड देन SO2 एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो यहाँ पर जो RCl मिलता है दैट इज विथ 100% रिटेंशन, पाइरिडीन के बल्किनेस की वजह से वो वाला रिएक्शन अब पॉसिबल नहीं होता है, तो यहाँ पर बैकसाइड अटैक होकर RCl, नहीं 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 पूरा बैकसाइड अटैक होता है, 100% इन्वर्जन होता है,
50% होगा शायद, नहीं पाइरिडिनियम का इंटरमीडिएट बनता है और सीएल फिर बैक साइड अटैक करता है और 100% इन्वर्जन मिलता है। ये अपना नॉर्मल एसएन2 की बात कर रहा है, तो फिर बी रिटेंशन होगा कि इन्वर्जन होगा? रिटेंशन, रिटेंशन। तो द आंसर इज बी। और ये देखो मिथाइल जो है ये तो अनअफेक्टेड ही था ना, तो अगर ये आउट ऑफ द प्लेन है तो ये आउट ऑफ द प्लेन ही रहेगा, वो भी एक ऑब्जर्वेशन था। हाँ सर, बट अगर वो चेंज होता तो ये चेंज नहीं होता, लाइक इन्वर्जन होता तो वो वैसे ही रहता। हाँ वैसे ही रहता ना, वैसे ही रहता, दूसरे कार्बन पे ना। हाँ अच्छा, दूसरे कार्बन पे। हाँ वो अनअफेक्टेड है ना, दैट ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द ग्रुप्स रिएजेंट्स। क्विनोन अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड विद HBr। बोलो क्या होगा? आप ऑप्शंस में देखोगे तो तीन कंपाउंड्स में फिनोलिक कंपाउंड और बेंजीन का फॉर्मेशन है, और एक ही कंपाउंड में सादा वाला रिएक्शन जो आप सोच सकते हो, अल्किन और HBr का एडिशन होगा, H लगेगा इधर, Br लगेगा इधर, तो टेम्पटिंग तो आंसर ए है, है कि नहीं? बट बाकी सब ऑप्शंस मतलब सिमिलर। बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन है मतलब इट इज समवॉट रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी। पहले H प्लस जाएगा, फिर कार्बोकैटायन शिफ्ट। ऑटोमेरिज्म में सबसे पहले ना क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर ये अल्कोक्साइड बन जाएगा, O माइनस, यस अल्कोक्साइड। ये O नेगेटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब एक्चुअली HBr का रिएक्शन होगा, तो फर्स्ट स्टेप में it is a H जाएगा O, O most stable species, है ना? तो अब यहाँ पर HBr अटैक करेगा तो इनॉल मिलेगा और Br यहाँ पर आ जाएगा और डबल बॉन्ड इधर। अब इस Br के साथ HB है, so it is of the form A double bond B alternate C पे H। टॉटोमेरिज्म का कंडीशन, तो टॉटोमराइज होने के बाद H कहाँ अटैक करता है? A पे, A पे, A पे, A पे, डबल बनता है सिंगल, सिंगल बनता है डबल, ये होता है सिंपल टॉटोमेरिज्म का रूल। So it is of the form A double bond B single bond C पे H, H और फिर H जाएगा यहाँ पर, तो ये टॉटोमराइज होगा and you get a very very stable compound which is phenol and the Br will be as it is here, so it will be resorcinol formation with a bromo substituted, है ना? Resorcinol बन गया ये, that's option B, समझा? अच्छा, resorcinol के quinol ना, quinol है ये, catechol, resorcinol, quinol, उसका फॉर्मेशन भी दिया था एक रिएक्शन में। अगर आपके ऑक्सीडाइज होता है, अगर आपके पास मान लो फिनॉल या फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है तो विद Na2Cr2O7H+ ऑक्सीडाइज होकर ये बनता है, इसका नाम भी दिया था बेंजोक्विनोन, पिंक कलर होता है शायद। फिनॉल इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बट ऑक्सीडाइज होने पर इट फॉर्म्स अ पिंक कलर्ड बेंजोक्विनोन।
इसी का आगे रिएक्शन सोच लो कि HBr के साथ हो तो आपको मिलेगा क्विनोल बैक विद द ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड हियर, ऐसा एक अच्छा सीक्वेंस बन गया. इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स इथेनॉल अनहाइड्राइड एंड अल्कोहल विच रिएक्शन एस्टरिफिकेशन ना इसमें भी यस एसिड और अल्कोहल ईस्टर देता है लेकिन दैट रिएक्शन वाज रिवर्सिबल. हाँ तो उसके डेरिवेटिव एसिड डेरिवेटिव्स के साथ एसिड और एसिड एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बना सकते हैं एंड हियर द एस्टर वी ऑब्टेन इज इन अ गुड यील्ड. यस और यहाँ पर हम पाइरिडीन भी यूज करते थे सो दैट जो एसिड बन रहा है उसको ये पाइरिडीन एब्जॉर्ब या न्यूट्रलाइज कर सकता है सो दैट द रिएक्शन इज नॉट रिवर्स्ड. तो अब सिंपली आपका आर डैश ई टी है और आर जो है वो एम ई है राइट. तो द ईस्टर विल बी थ्री सी ओ सी टू एच फाइव एंड द बाई प्रोडक्ट दिस विल गिव यू द एसिड एसिटिक एसिड. So it will be ethyl acetate and acetic acid both. That's option D. D. Mixture of ethanol and acetaldehyde can be separated by using HCl. NaCl3SO3. HCN होगा शायद. Separated, separation, purification, extraction के लिए. Sir, bisulfide. हाँ. एक reaction मैंने बताया था NaHSO3. इसके application ही क्या है? It is used in purification, separation. And protection of some compounds, na sir. Na 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 na. Protection is done by using hemiacetal and acetal formation, Baba. Because in that case, the aldehyde or ketone is converted into an alkoxy compound, which are ether-like compounds. Protection is done by using alcohol in dry HCl. And ye purification, extraction, separation ke liye use karte hai, NaHSO3. Separated bola hai, distinguished nahi bola hai. Sir. Separation bola hai, mixture hai. Ek beaker mein ethanol bhi hai, acetaldehyde bhi hai. सेपरेट करने के लिए पहले NaHSO3 ऐड किया तो इसके साथ ही रिएक्ट करेगा ना एल्डिहाइड के साथ. इसका खास बात क्या था? इट गिव्स यू अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट्स व्हिच आर वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स. याद आ रहा है क्या? एंड इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बैक बैक बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन. सो कार्बोनाइल विद NaHSO3 एडक्ट फॉर्म होता है. हां एक एडक्ट फॉर्म होगा तो C के साथ OH और यहाँ पे SO3Na इसी को बोला था अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट्स सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड. एंड खास बात क्या है ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इथेनॉल तो वैसा ही रहेगा ना और एल्डिहाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर एसिड या बेस के प्रेजेंस में हम ओरिजिनल एल्डिहाइड को सेपरेट कर सकते हैं. सर डिस्टिंग्विश के लिए बाकी सब ऑप्शन आएगा ना. हाँ क्योंकि बाकी सब रिएजेंट सिर्फ आपके है एल्डिहाइड के साथ करते हैं. सेपरेशन है डिस्टिंग्विश नहीं है. व्हिच रिएक्शन गिव एसिड एनहाइड्राइड एज द प्रोडक्ट विल द फर्स्ट रिएक्शन एसिड एंड असाइल क्लोराइड गिव HCl निकल सकता है ना. HCl निकल के मिल जाएगा. देगा कि नहीं देगा? देगा सर. देगा देगा क्योंकि HCl निकल जाएगा और पाइरिडीन उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा. सेकंड भी देगा. बचा क्या? RCOO R डैश. सेकंड भी सेम है. सेकंड फिनाइल फिनाइल वाला में ये OCO R डैश प्लस HCl. पहला तो दे रहा है. सेकेंड वाले में NaCl. ये तो काफी अच्छा यील्ड देगा क्योंकि NaCl कोई भी हालत में रिवर्स कर ही नहीं पाएगा.
ये सबसे बेस्ट यील्ड देगा एस्टर का। सर वो पाइरिडिन का फर्क नहीं पड़ता एरो पे अगर सेकंड पे हो ना हो। एचसीएल के लिए दिया सेकंड पे पाइरिडिन की जरूरत ही नहीं है ना, सेकंड में तो सॉल्ट बन रहा है आपका। हां एचसीएल के लिए दिया है। अच्छा ओके ओके। थर्ड में अमाइड और सॉल्ट है। नहीं ये नहीं रहेगा। मुझे बताओ एसिड डेरिवेटिव्स में अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछूं एसिड डेरिवेटिव्स का, व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव? लीस्ट में कौन आता है? लीस्ट में अमाइड आता है सर। अमाइड आएगा। यस। हां सर। एक्चुअल ऑर्डर देखे तो एसिड क्लोराइड के बाद ईडीबी के हिसाब से अनहाइड्राइड आता है। अनहाइड्राइड। फिर एसिड और एस्टर का एप्रोक्स सेम होता है। और फिर अमाइड। लास्ट में अमाइड। तो अमाइड का रिएक्शन तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है बिकॉज़ ऑफ 4-5 दोनों लिविंग ग्रुप। तो ये आपको नहीं देगा। फोर्थ 4-5 दोनों देंगे। हां डीआर देगा। ये तो आपका अच्छा वाला रिएक्शन है। कॉमन है। 5 भी देगा। भी देगा। यस। व्हाट इज दिस एसिड कॉल्ड? 4 कार्बन वाला सक्सिनिक। सक्सिनिक एसिड है वो। तो सक्सिनिक अनहाइड्राइड मिलेगा, मतलब 3 को छोड़ के 1, 2, 4, 5 यानी ऑप्शन बी। क्लियर? दैट्स इट। हो गया। अच्छा क्वेश्चन है सर।